इन द एनायन एच सी डबल वन ओ माइनस द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फाउंड टू बी इक्वल लेंथ व्हाट इज़ व रीजन स्ट्रक्चर हम देखें एच कार्बन कार्बोनिक एसिड जो होता है उसमें क्या क्या है यहाँ पर एक एच अपना दे दिया है और ओ माइनस हमें पता है यहाँ पर रेजोनेंस होता है और ये रेजोनेंस होके क्या बनता है यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा H कार्बन और माइनस चार्ज क्या हो जाएगा माइनस डबल बोन माइनस सिंगल बोन डबल बोन है तो यहाँ पर O माइनस आ जाएगा और डबल बोन O और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ हम देखें क्योंकि यहाँ पर यह क्या है एक दूसरे के रेजो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर तो ये माइनस चार्ज क्या हो रहा है ट्रेवल करके ऑक्सीजन पे आ रहा है तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ जो है ये एक्स और ये वाई तो एक्स वाई क्या हो गई इक्वल हो गई क्यों क्योंकि ये क्या है यहां पर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस होने के कारण उन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है इक्वल हो गई है तो स्टेटमेंट देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड ये तो गलत हो गया इस कारण इसकी बॉन्ड लेन सेम थोड़ी ना है बी है हमारे पास सी ओ बॉन्ड इज वीकर नहीं है इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है सेम है इन दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है सी है द एनायन एच सी डबल वन ओ माइनस है the NIN, double o two सही बात है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण इनकी बॉन्ड पैरामीटर सारे के सारे क्या होंगे इनके होंगे द एनायन इज ऑप्टेन बाय रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन फॉर्म ये तो गलत बात हो गई इस कारण उसके बॉन्डलेन इक्वल नहीं है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट